महाराज की जय हो। महाराज, आज तो आपके चेहरे पर बहुत उदासी है, कारण क्या है महाराज? अपने मुखारविंद से फरमाइए सर। मंत्री संग्राम सिंह चिंतित है कि महाराज को क्या हो गया है। महाराज, मैं जानना चाहता हूँ, अपने मुखारविंद से फरमाइए, महाराज मैं चिंतित हूँ। हाँ ये महाराज, मैं तो जानू। मंत्रीवर, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मंत्रीवर, महाराज हुआ क्या? सीने में दर्द हो रहा है और ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। मंत्रीवर, महाराज आप क्या कह रहे हैं? हाँ मंत्रीवर, तुम एक काम करो कि जाओ कोई अच्छा से अच्छा डॉक्टर तुम लेकर आओ, वो मेरा उपचार करे, शायद मैं ठीक हो जाऊं। महाराज देखिए, जैसी आज्ञा हो महाराज को लिटाइए। महाराज द्वारपाल सरकार, ले चलो मुझे विश्राम कक्ष में, मैं विश्राम करूं और तुम लोग मेरी दवा की लिए जाओ। आइए सरकार, ले जाओ नौकर। महाराज की तबीयत बहुत खराब है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक की बीमारी है और हमको जाना कहाँ है? जो इस इलाके में सबसे बड़ा डॉक्टर है उससे मिलना है। आए? महाराज बीमार हो गए और कहा डॉक्टर बुला लीजिए। मंत्री जी, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। अगर महाराज को दुनिया से दूर करना है तो कोई राजनीति खेलना है। अब मैं महाराज, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। दवा के बदले महाराज अगर तुम्हें जहर न पिलाया, दुनिया से दूर न किया, तो संग्राम सिंह की माँ का दूध हरा। साला सरकार, महाराज की तबीयत बहुत खराब होती जा रही। सरकार इधर आओ, कान खोल को सुन लो। महाराज की तबीयत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा सरकार। और महाराज कह रहे हैं कि मंत्री जी कोई बड़ा डॉक्टर बुलाओ और तुम जाओ जी। डॉक्टर के पास नहीं जाना है तुम्हें। कहाँ जाना है? जाओ उस अलमारी में जहर की पुड़िया रखी हुई है। जहर की पुड़िया? और उसको उठा लाओ जी। और महाराज को पिला दो, उनकी कहानी को खत्म कर दो। अगर महाराज दुनिया से दूर हो गए तो यहाँ का महाराज मंत्री संग्राम सिंह और मंत्री की पदवी तुम्हें मिलेगी। जाओ। महाराज अगर तू जिंदा रहा तो संग्राम सिंह का सपना साकार नहीं होगा। महाराज के मरने के बाद इस जागीर का मालिक मैं बनूंगा। और इनकी बेटी, वो एक दिन मेरी दुल्हन होगी। वो साले कुत्ते छुड़ा के ले गया और उसी की तलाश है। महाराज आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और एक दिन तुम्हारी बेटी के साथ मैं अपना मुंह काला करूंगा और तुम्हें सपना दिखाऊंगा। अगर तुम्हें सपना न दिखाया, तुम्हारी बेटी के साथ अपना मुंह काला न किया, तो संग्राम सिंह की माँ का दुख उधर आ भाई। लेके आओ। नौकर, ओ नौकर, मंत्री साहब। अरे देरी क्यों कर रहे हो? कहा तही? बोलो। जहरवाई ही मिलाई। दबे। अरे चुपके से आओ, आवाज ज्यादा नहीं होने का। अबे जहर का नाम नहीं लेना हराम जादे, तुम तो पोल खोल रहा है। सरकार
गिलास भी लाया हूँ और ठंडा पानी जहरवा ले यही। अगर महाराज पूछते हैं कि डॉक्टर नहीं आया तो तुम्हें यही कहना है कि महाराज डॉक्टर साहब एक आदमी का ऑपरेशन करने गए हैं जी सरकार, और दवा देकर वापस लौटा दिया जी सरकार, और कहा कि जाओ महाराज को दवा दे देना, 10 मिनट में मैं वापस आ रहा हूँ और देखभाल करूँगा। चुपके चुपके जहर मिला के दे देंगे। महाराज को बहुत तकलीफ है जी सरकार, और महाराज को कुछ हो गया तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। लेटा दो। महाराज के लेटा दो। मंत्रीवर। महाराज। मेरे लिए दवा। महाराज डॉक्टर के पास मैं गया, डॉक्टर एक आदमी का ऑपरेशन करने गए हैं, दवा देकर वापस कर दिया, कहा जाओ महाराज को दवा दे देना, अभी 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ और महाराज को देख लूंगा। देख कि क्या बीमारी है वो सब देखेंगे। मुझे दवा खिलाओ, मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा है मंत्रीवर, मेरा दर्द। नौकर जी सरकार, लाया दवा। लाया महाराज, दवा मंगवा लिया हूँ, अभी आपको आराम हो जाएगा, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। बाबू साहेब। क्या है? मिलाया जा। अरे कमीने, दवा मिलाया जाए। महाराज को तकलीफ है साले, ज्यादा देर मत करो। बहुत जल्द सरकार, बहुत जल्द। यही इतने में काम हो जाए ना। अरे यार तुम ज्यादा बोल मत। ये क्या है? बहुत बदबू आ रहा है, ले जिए। जाओ जाओ तो देखो डॉक्टर आया हो तो लेके आओ। ए, मुझे क्या हो रहा है महाराज? ये दवा मुझे कैसी दवा लेकर आए हो मंत्री? इस दवा में जहर है मिलाया गया, मुझको मालूम हुआ तेरी ही चाल है। मेरी रैयत के लोगों सुनो ध्यान से, बन सके ना कभी ये तो सुल्तान है। जादे तेरे दिल की मुराद कभी पूरी नहीं होगी, विश्वास करते। नौकर इस लाश को उठाओ और फेंक दो जंगल में, ताकि इसे जंगली जानवर खा जाएंगे। लाश ना फेंक कर। क्यों रे? पहले हमका मंत्री बनो। अरे साले तो ही काम तो होने दे। नहीं मंत्री बनो ना, हम खोल दे पोल जाने दे। चुप रे, पोल नहीं खोलना है। जो क्या सरकार, काम होने के बाद ये पोशाक तुम्हारे बदन पर होगा। ये पोशाक आपके बदन पे। यहाँ का महाराज मंत्री संग्राम सिंह। और सुन लो, लाश फेंकने के बाद तुम मेरे पास आओगे। जो क्या सरकार, जाओ उड़ाओ। भैया अरे घसीटते ले जाओ, उड़ाओ लाश। भैया मेरी बात कीजिए, ले जाओ इस लाश को जंगल में फेंक दो।
ताकि जंगली जानवर खा जाएंगे। उड़ाओ। नौकर सरकार इधर आ। लहा सामने फेंक दिया सरकार। तुम्हारे लिए काम क्या है? क्या काम है? पूरी रिया में ऐलान कर दो कि सारी जागीर का मालिक मंत्री संग्राम सिंह है। जो आगे सरकार। और ये भी ऐलान करना है कि जितने कर्मचारी हैं 5 तारीख के पहले किसी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं दी जाएगी। जैसे के सरकार। मेरे आदेश का पालन होगा जा और तुम्हें ऐलान करना होगा। ठीक है बाबू साहब। उसके बाद हम तुम्हें मंत्री बनाएंगे। तो आज मैं जाकर मुनादी कर दूं। हाँ। कि यहाँ के हमारे अब संग्राम सिंह हो गए हैं। ऐलान करना है। यह बताइए बाबू साहेब, यह बता दिए कुछ हर वो पिया के मारे हैं। अबे साले तुम्हें काट के फेंक दूंगा। आना चाहता है साले? नहीं, बोल नहीं खोलूंगा। ऐलान कर। चलिए मनाजी कर दे रहा हूँ। भाइयों, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि यहाँ के महाराज भाई भीष सिंह का स्वर्गवास हो गया। उनके मर जाने के बाद यहाँ के महाराज मंत्री संग्राम सिंह हो गए हैं। और एक सूचना है, जितने कर्मचारी है 5 तारीख के पहले वो लोग तनख्वाह नहीं पाएंगे। क्या बताऊं भगवान, हमारी तबीयत बहुत खराब है। मेरे पति जी अभी तक आए नहीं। क्या बताऊं, मेरा बेटा भी नहीं आया। मेरा जीने लगता है कि जैसे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। भगवान अब मैं क्या करूं मालिक। गौरी, तुम्हारी तबीयत कैसे है? मेरी तबीयत बहुत खराब है। मेरी बचने कोई हाल तो उम्मीद नहीं है। मैं अजय को तार भेज दे रहा हूँ। बेटा अजय आ जाए। मेरे अजय को तार भेज कर जो जल्द बुला लो। चिंता मत करो, बेटे को देख लूँ ना। चिंता मत करो तुम, मैं फौरन जा रहा हूँ और तार लगा कर अभी आता हूँ। मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करो। दीदी नमस्ते। अंजू भाई नमस्ते। नमस्ते नैना जी। अरे बहन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बड़ी दीदी नमस्ते। गुड मॉर्निंग माई लाल तेल। गुड मॉर्निंग बोला जाता है, गुड मॉर्निंग क्या है? गुड मॉर्निंग बोला जाता है। एक बात बताओ, अभी तक गुरुजी नहीं आया यार। याद करबू पागल कहेगी, बदतमीजी करते हो। लाल हो जाए मुंह। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं क्या?
बदतमीजी करते हैं। लड़की गदेली। हाँ क्या है? माई बहने के नाम जी ले है। क्या कर बे? ना एक झपटिया दे हम। हम तो आका पर पटिया दे बे। मनीडर ही मनीडर। आवे न जाए मनीडर है। बैठ जाओ। अभी गुरुजी नहीं आए। गुरु जी नमस्ते। ओ नमस्ते नमस्ते, बैठ जाइए। सिट डाउन। अरे बैठ जाइए, बैठने के लिए कह रहा हूँ। हिंदी कम बोल पाई। अच्छा इंग्लिश बोलोगे? तो कोई बात नहीं, इंग्लिश में बात करूंगा। अजय जी। गुरुजी सभी बच्चे आ गए? जी हाँ गुरुजी, बच्चे सभी आ गए। सिट डाउन। बच्चों ध्यान से सुनना। जी गुरुजी। देखो ये तो तुम जानते हो कि आज 14 अप्रैल है। जी गुरुजी। और 14 अप्रैल को कॉलेज की तरफ से कुछ गीत होना चाहिए, और गीत वो होना चाहिए जैसे राष्ट्रगीत, विकास गीत, लोकगीत, ऐसे गीत होना चाहिए। और इसमें जो अच्छा प्रदर्शन करेगा, अच्छे गीत गाएगा, हम उसे कॉलेज की तरफ से अच्छा इनाम देने का प्रयास करेंगे। और अगर किसी को परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर लोकगीत मालूम हो तो वो भी गा सकता है, क्योंकि परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर जन्म दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। बोलो। वैसा गुरु जी एक आध घंटा कबड्डी हो जात। किसके साथ? ठीक है प्रतियोगिता। हाँ हाँ ये बात है तो ठीक है, अगर तुम्हारी राय है जी तो कबड्डी की प्रतियोगिता हो जाएगी। हे लड़की लोग क्या एक, एक कहीं तुम हो जाओ, एक कहीं लड़के लड़के ऐ नालायक। लड़की लड़का में कबड्डी होगी बे? ये पागल है, पागल है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? तो भाई हम लड़के के साथ ना खेल पाओगे। तो लड़की के साथ तुम खेलोगे? बदतमीज बास्टर्ड कहीं का। आई एम सॉरी। लड़कियों। जी गुरु जी। देखो जो लड़की राष्ट्रगीत, लोकगीत, विकास गीत जी गुरु जी गाना चाहती है वो गा सकती है। ठीक है गुरु जी। लेकिन समय केवल 2 मिनट। ठीक है गुरु जी। ठीक है गुरुजी। गुरुजी मैं गाना चाहती हूँ। ओह तुम गाना चाहती हो? जी। ठीक है। जी गुरुजी गाना गाऊं? पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जी गुरुजी मेरा नाम गुड़िया देवी है। गुड़िया देवी। वाह गुड़िया देवी, गुड़िया क्या है, दिल्ली की पुड़िया, जहर की पुड़िया। बोलता क्यों है तू? फादर्स नेम? जी गुरुजी राम नरेश। राम नरेश। हाँ बोलो क्या गाना चाहते हो? कर चले हम फिदा कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवा ले वतन साथियों। कर चले हम
अब तुम्हारे हवा ले वतन चले हम पिता जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवा ले वतन फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवा ले वतन गाया जी गुरु लेकिन उसके साथ एक्शन नहीं किया और बगैर गीत अगर गीत गाती हो तो उसका एक्शन होना जरूरी है जी गुरु जी अगली बार कर देंगे ठीक है बैठ जाओ और कोई लड़की गाना चाहती है मोटी वाली तुम भी गाओगी क्यों पूछ रहा हूं तुमसे पूछ रहा हूं नहीं आता सर मैं गाऊंगी तुम गाओगी चलो सर पूजा पूजा देवी लावा आरती उतारी फिर क्या नाम है तुम्हारा सर पूजा नाम है पूजा फादर्स नेम माय फादर्स नेम स्वर्गीय राम आश्रय गौतम ये नहीं कि उनका तो स्वर्गवास हो गया है हाँ सर स्वर्गीय बोली ओके 26 मार्च को सुबह 7:30 के आसपास हर करम वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे मन कादा की आरती उतार लो चल बदतमीज
भाई देखो, लड़की की तरफ से दो लड़की गीत गाए जिसका नाम पूजा देवी और गुड़िया देवी। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो प्यारे प्यारे लड़के हैं, छात्राएं हैं, छात्र हैं, सब हैं, और हम ये चाहते हैं कि लड़कों की तरफ से गीत होना चाहिए। होगा कि गाओ भाई? गाओगे? हाँ, वो गुड़िया ही था, फगुआ ही गाओ। सेट अप। मैं त्योहार की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, सॉरी। हम गुरजीत सिंह, हम पहले गाओ गुरु। गाओगे? और क्या, तो आ जाओ फिर स्टेज पर। चलो व्हाट इज योर नेम? आई व्हाट इज योर नेम? आपने कहा कि इंग्लिश से बात कीजिए। केकल फाटी? तुम ऐसा नहीं मानो। सर समझा नहीं आपकी बात। मारना नहीं आज छात्रों को गुरुजी। आज पहले सुन, आज मारना नहीं चाहिए गुरुजी। आज हमको मारेंगे जो ना बाबा साहब को मारा है। मैं मार कहां रहा हूँ, डंडा हाथ में केवल लिया हूँ। जी सर, संकेत दे रहा हूँ। संकेत क्या करो? संकेत। संकेत जी सर। देखो बदतमीजी नो बर्दाश्त। नो सर। इसलिए जो कुछ कहना हो साफ केस के ऊपर कहना। यस सर। नाम ना लिख दिया पहले आप, तुम नाम बोलो। लिखा? बोलो बोलो। लिखा? अरे बगैर बोले लिखूंगा, बताओ एक पहले। तो लिखा फिर? अरे बोलोगे? लिखे? बड़े बदतमीज हो। बोलना पड़ेगा। लिखे गुरु जी, शुरुआत करें। बोलो। श्रीमती श्री राम। एक क्लास में पढ़ते पढ़ते तुम्हें 5 साल बीत गया, लेकिन तुम पास नहीं हुए। कैसे पास हो गए? श्रीमती लगता है? कहाँ लगता है, लेडीज हो तुम। एका के कहा तो मनसेजी हुएगी। तो फिर श्रीमती क्यों बोला? यही तो कहना सरकार, अगर इतना ज्ञान हो तो पढ़ाई क्या करिए आज। 5 साल क्यों फेल होते? आपके 9वां साल फेल होते हैं। अब ये भी इम्तिहान हो जाएगा। श्रीमान श्री राम। हाँ श्री राम जी, तुम्हारे पिताजी क्या नाम है? राम लखन यहरीला। हो श्री राम, राम लखन सनाप राम लखन जहरीला। जहरीला दूसरे पिता का? एक का ही बाप हाँ हो। एक मतलब जे जिया तहन एक बाप रहन के मर गए नो राम नरेश। अच्छा अच्छा। गाय गुरु हाँ। कौन सा गीत गाओगे? पेवर राष्ट्रीय, राष्ट्रीय लोकगीत। हाँ दीपक भैया की गोरी कि मलवा का गलवा लाल लाल रे, मलवा के गलवा लाल लाल रे, रोडवा पे चलली कमाल चाल रे गोरिया। क्यों रे, ये कौन सा गीत है? कॉलेज में ऐसी गीत होती है? मलवा के गलवा पे लाल लाल रे नहीं, माल समझे नहीं। मैं राष्ट्रीय गीत सुनना चाहता हूँ। ये राष्ट्रीय तो भैया, ये राष्ट्रीय गीत हो सकत सुनना हो सुरजीत भैया। नाक कटने वाली है यार। क्या हुआ? नाक कटने वाली है यार। अगर राष्ट्रीय गीत अगर लौंडी लोग नहीं गए तो लड़कियों का नंबर बहुत बढ़ जाएगा। इज्जत बचाओ लो भैया। ऐसे कैसे हो सकता है? तो इज्जत बचाओ नहीं तो नाक कट जाएगी। अरे ऐसे कैसे होगा यार श्रीराम भाई, क्यों परेशान हो? जी आइए भाई। गुरुजी जी बोलो। गुरुजी आपने क्या कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के विषय में कोई गीत गा सकता है आज 14 अप्रैल को? जी हाँ। तो ठीक है गुरुजी, मैं एक छोटी सी गीत बाबा के विषय में जरूर गाऊंगा, कोई गलती हो जाए तो गुरु जी क्षमा चाहता हूँ। ओके स्टार्ट करो। देखिए
ये मुट्ठी भर अंग्रेज अपने देश को गुलामी में रखे थे और ये अपना देश गुलाम था। अपने देश में ऐसे ऐसे सपूत पैदा हुए जिसने देश के लिए अपने जान की कुर्बानी कर दिए है, तब आज ये देश आज़ाद हुआ। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, चंद्रशेखर आज़ाद जी हुए, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए भैया। जैसे झूसी वाली रानी, झूसी नहीं झांसी वाली रानी। हाँ झांसी, बोलना नहीं आता, 20 मिनट का पड़ता है नालायक। इसी तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी अपने